पूर्व मंत्री बिसेन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा केस। हाई कोर्ट ने खारिज की मानहानि मामले में सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने बिसेन के खिलाफ चल रहे मानहानि प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किसी दूसरे का जाति सूचक अपमान करने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिसेन ने निचली अदालत में चल रही प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में यह याचिका लगाई थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने याचिका खारिज करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामला 25 अगस्त 2011 का है। तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन पन्ना प्रवास पर थे। यहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा नेता संजय नागेज को अपशब्द कहे थे। बिसेन ने नागेज को भरी सभा में पंडित तू चोर, बैंक अध्यक्ष चोर कहा था। विरोध करने पर बिसेन ने दबाव में सहकारिता विभाग ने नागेज और उसके नेतृत्व वाले बोर्ड को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपमान करने को गंभीर प्रकरण माना है। सहकारिता विभाग के इस फैसले के खिलाफ नागेज ने हाईकोर्ट में अपील की, जहां चली सुनवाई के बाद संजय नागेज के नेतृत्व वाले बोर्ड को बहाल करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद मई 2014 में नागेज ने बिसेन के खिलाफ पन्ना जिला कोर्ट में मानहानि का केस लगा दिया था। बिसेन ने हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में स्टे ऑर्डर लेकर केस समाप्त करने के लिए धारा 482 के तहत याचिका दायर कर दी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए बिसेन की याचिका रद्द कर दी है। अब यह प्रकरण एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट ग्वालियर में चलेगा। हाईकोर्ट ने संजय नागेज को दी थी राहत। तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पन्ना जिला सहकारिता अध्यक्ष संजय नागेज और उनके बोर्ड पर भ्रष्टाचार के 19 आरोप लगाते हुए बोर्ड को भंग कर दिया है। इसके मामले को लेकर संजय नागेज ने 2011 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 2012 में कोर्ट ने सहकारिता मंत्री के तमाम आरोपों को निराधार पाते हुए बोर्ड को बहाल कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए संजय नागेज को भ्रष्टाचार मामले पर राहत देते हुए राज्य सरकार पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।